आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। इस टाइम हमें ज्वाइन किया है फाइका जावेद ने, कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से। तो फाइका, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आनम शेख फॉर हैविंग मी हेयर। अच्छा फाइका, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कश्मीर रिलेटेड है। अच्छा, अब कश्मीर रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको भी कहा कि भाई ज्वाइन करो, क्योंकि आप एज अ कश्मीरी बहुत अच्छा बोल सकते हैं इस मौजू पे। G20 की मीटिंग हुई फरवरी में, उसके अलावा हम आज आज की न्यूज की बात करेंगे। आज ही करंट न्यूज आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि G20 के अंदर मुकम्मल पार्टिसिपेट मैं करूंगा। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भाई ना जाइएगा, आप ना उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि मसला कश्मीर बहुत ही मेन इशू है हमारे लिए, तो आप प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान, आपके तो टर्म जो है वो किसी के साथ भी बेहतर नहीं है, हमें तो बनाने दो, हमें इंडिया में सबके साथ अपने ताल्लुक बेहतर करने हैं, और इंडिया से हमें बहुत सारे ट्रेड के बेनिफिट्स हैं जो हम लेन देन है, तो हमें उस पर बेहतरी ही चाहिए। तो मतलब दूसरी जानिब देखिए, पहला तो सऊदी अरेबिया, दूसरा टर्की, टर्की ने भी यही किया G20 की मीटिंग के अंदर, पाकिस्तान को अकेला छोड़ के इंडिया का साथ दे दिया। क्या वजूहत है ऐसा कश्मीरी, आपको क्या लगता है आज मुस्लिम ब्रादरान हमारा साथ नहीं बल्कि आप लोगों का साथ दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगेन जो है रिलीजन्स को ही मद्देनजर रख के डिसीजंस लेते हो, और हमारी कंट्री और बाकी नेशंस में ऐसा नहीं है। शायद ही यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वहां पे जो है बाकी रिलीजन्स के लोगों को भी वही इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है। तो पाकिस्तानियों को आदत ही है चीजों में खलल डालने की, और हमेशा से हम देखते ही आए हैं कि हमारे देश के अक्सर जो है पाकिस्तानी लोग मुखालफत करते हैं, तो उस चीज से हमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, उस चीज से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अरब एमिरेट्स ने वहां पे, सऊदी अरबिया ने या फिर टर्की ने जो है उन्होंने बाजाबता G20 में जो है, आप भी देख पा रहे हो कि अरब एमिरेट्स के साथ हमारी कंट्री के कैसे रिलेशंस है, कैसे वो अपने रिलेशंस बना रही है, कैसे वहां पे ट्रेड जो है होने जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे फॉरेन रेलवे ट्रैक्स कायम किए जाएंगे जिस वजह से जो है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है कंट्री से ट्रेड किया जाएगा। तो आप भी जानते होंगे कि इमार की प्रोजेक्ट जो है FDI, यानी कि इंडिया में पहली बार जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा, जहाँ के 500 करोड़ जो है यानी कि 250 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो IT सेक्टर्स कायम किए जाएंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ट्रेड में बेहतरी आई जाएगी। तो जाहिर सी बात है हर एक नेशन का यही फोकस रहता है कि हम आगे बढ़े, वर्ल्ड आगे बढ़े, ग्लोबली तरक्की करें, इंटरनेशनल सतह पर, इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने देश को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। तो सेम इज द केस विद एवरी नेशन। अगर सऊदी अरबिया ये दावा करता है, अगर सऊदी अरबिया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है, इट इज बिकॉज आप खुद भी देख सकते हो कि पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है। जो अपने मुल्क में लॉयल्टी नहीं दिखाएगा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे किस प्रकार से जुल्म नहीं जुल्म मतलब वहां पे हो रहे हैं, आप देख सकते हो कि इमरान खान जो कि आप लोगों का एक लीडर था, जिसकी अवाम की भी मांग थी कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से वहां पे जिस कंट्री में अपना ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ ना हो, उस कंट्री में क्या ही कुछ हो सकता है। तो सेम मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की सरकार, आप लोगों के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, आप लोगों के जितने भी डिप्लोमेट्स ऊपर बैठे हैं, जाहिर सी बात है इट्स आर डिसीजन, इट्स आर कंट्री, ओनली आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज द राइट टू टेक द डिसीजन। और ये हमारी कंट्री के मसले मसाइल है, ये हमारी कंट्री के जितने भी मसले मसाइल अंदर चल रहे हैं, इंटरनल जितने भी अंदर मसाइल चल रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को राइट है कि वो डिसीजन ले। बिकॉज मसला ही कश्मीर कोई मसला है ही नहीं। बार बार आपकी डिबेट्स पे यही आकर हर एक कश्मीरी कहता है, लेकिन कहता है ना वो पाकिस्तानियों की दिमागों में वो बातें
चुपती नहीं है, बार बार कश्मीर 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 कश्मीर, पहले अपने कश्मीर को तो संभालो, पहले पीओके को, वैसे वो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी पहले अपने मुल्क को तो संभालो, पहले अपने मुल्क में जो हालात है पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को तो बख्शो, फिर जाके तुम कश्मीर की बात करो। कश्मीर सेफ है, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर कोई कितना भी, अगर पाकिस्तान कितनी भी वो खलल डालने की कोशिश करे, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आजकल वो टॉय जैसा समझा जाता है, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है, बिकॉज दोगलापन है, डिप्लोमेसी है, कहते हैं ना वो प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। तो सेम अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टर्की अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर बनाना चाहता है, बिकॉज एवरी नेशन वॉन्ट्स टू ग्रो अप, every nation wants to represent themselves on international forums like UAE, aap UNO mein represent kar rahe ho khud ko, to zahir si baat hai to wahan pe to relations badhane hi padenge, aur india ne to aise kisi country ke sath, india ke to relations har kisi country ke sath behtar hai, whether america ki baat ki jaye ya fir aur superpower nations ki baat ki jaye, why only pakistan, why only aise kuch nations hai जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो जो अगर हम बात करें ना यूएनओ की, यूएन की बात करें, तो जहां तक मैंने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर या जो भी रेजुलेशन है, जो मैंने जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वहां पर मैंने साफ साफ पढ़ा है कि पाकिस्तान अपनी अफवाज कश्मीर से हटाए, सडन फिर उसके साथ इंडिया की जो अफवाज होगी, फौज होगी, वो कश्मीर में आएगी और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन का मुद्दा छेड़ा जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बात अभी भी रिसेंट हुई थी कि आपके फॉरन एस जय शंकर ने भी कहा था कि आप यूएन रेजोल्यूशन को तो पहले मानो, तो क्या वजूहत है जो कि पाकिस्तान मसला कश्मीर चाहता है, मसला कश्मीर पे हर बार बात करता है लेकिन यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मानता, क्यों? देखिए वजूहत यही है कि पाकिस्तान की अपनी खस्ता हालत हो भी चुकी है, पाकिस्तान जिस प्रकार से 90s से भी 90 से पाकिस्तान इकोनॉमी से जूझ रहा है, जिस प्रकार से वहां पे आपने देखा भी होगा, आपने चेक भी किया होगा। यूजुअली मैंने एक डिबेट में मैं आई थी तो आपके ही एक बंदे ने मेरे को बोला था कि हमारी इकोनॉमी 90 से इंडिया से ज्यादा थी, तो आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, तो वहां पे बाजाबता इंडिया की इकोनॉमी, जबकि इंडिया उस टाइम पे काफी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा था, लेकिन तब भी हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान से फार बेटर थी। तो अब आप आओगे सीधे ही यूएन पे, तो यूएन में एक ऑर्डर लॉन्च हुआ था जहां पे कश्मीर, आजाद कश्मीर की बात हुई थी, आजाद कश्मीर जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हो बट दैट इज नॉट एक्चुअली आजाद कश्मीर, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारी रियासत का एक अटूट अंग है। तो वहां पे यूएन ने यूजुअली एक लॉ पास किया था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो वहां से हटाई जाए, लेकिन पाकिस्तान ने यूएन का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो धक्के खाने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान को जो वो डिसरिस्पेक्ट इंटरनेशनल फोरम्स पे इस टाइम पे फेस कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली, जो उन्होंने मसले मसाइल चलाए हैं, जो उन्होंने प्रोपेगेंडे चला रहे हैं वो वही देख रहे हैं, जो उन्होंने पिछले सालों से टेररिज्म चलाया है, जो उन्होंने पिछले सालों से दहशत को बढ़ावा दिया है, इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली। ये कहते हैं ना एज यू सो शैल यू रीप, ये बस उन्हीं की चीजों का नतीजा है। फाइका एक सवाल है मेरा, आप तो एक जर्नलिस्ट हो, ठीक है, यूट्यूब सोशल एक्टिविस्ट भी हो, आप जैसे बहुत से सोशल एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट हैं जो कि कश्मीर के अंदर इस टाइम मौजूद है, हमसे बात भी कर चुके हैं, उन सब की राय मैं कहती हूँ कि यकता है, एक जैसी है, लेकिन क्या सिंपल जो आम कॉमन पर्सन कश्मीरी है क्या वो भी आप जैसी राय रखता है? तू भी ऑनेस्ट बताइएगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यू कैन चेक माय यूट्यूब चैनल आल्सो इन द नेम ऑफ फाइका जावेद, जहां पे मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, ग्राउंड रियलिटी दिखाती हूँ। आपने आप ही के डिबेट से मुझे जानने को मिला कि G20 इसलिए हो रहा है कि कश्मीर में जो है पाकिस्तानियों में वो दोगलापन होता ही है, सॉरी यू आर अ पाकिस्तानी बट इंडियंस का एक सीन रहता है कि वो हमेशा से मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो पाकिस्तानियों में दोगलापन होता है, पाकिस्तानी वहां पे ये दावा करते हैं कि कश्मीर को सोने की चिड़िया समझा जाता है, शायद इसी वजह से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, व्हाट, आप हर चीज को नेगेटिविटी में लेते हो। तो आप मेरी चैनल चेक करें, आपके जितने भी दर्शक पाकिस्तान से, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, मैं उनको बोलना चाहूंगी यू जस्ट गो एंड चेक माई चैनल, देयर बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स, बहुत सारी ऐसी टीवी चैनल्स काम कर भी चुकी है ग्राउंड रियलिटी पे, जहां पे एक
कश्मीर का 70 साल का बुढ़ा चाचा भी आके बोल देता है दैट वी आर प्राउड इंडियन. वहां पे आप चाहे सब्जी मंडियों की बात करें तो G20 के लिए भी मैंने डेवलपमेंट पे भी रिसेंटली मैंने बात की थी, तो आप ग्राउंड रियलिटी देख सकते हो. एंड हम लोगों में से कितने सारे कश्मीरी है, नो डाउट जर्नलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, बट यू नो कोई कोई हटके भी हो सकता है यहाँ पे. यू नो वट, हर कोई डिफरेंट राय रखता है, जैसे मैं डिफरेंट राय रखती हूँ, कोई किसी मतलब हर किसी इंसान का अलग अलग नजरिया होता है. तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पे भी काम किया जा रहा है और हर एक यू नो कश्मीरी की ऐसी ही मेंटेलिटीज है. हाँ, कुछ कंट्री में क्लैशेस हो भी सकते हैं, कुछ कंट्री में एहतजाज हो भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ और जम्मू एंड कश्मीर, बट आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, जहाँ पे लोग जो है अपनी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए जो है उनको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो अपने क्लेम किससे करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने वो अपने चीफ मिनिस्टर से, जो भी वहां पे वाकयात होते होंगे. क्या आपने कभी देखा है कि हमारे बच्चों ने, हमारी आवाम ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील किया है कि हमें इंसाफ दिलाओ? आप मुझे बोलो ना, क्या हमारे बच्चों ने, हमारी यूथ ने कभी ये बोला है कि हमें पाकिस्तानी आवाम से ये दिलाओ, इंसाफ दिलाओ? नहीं. Then why नहीं. Pakistanis are so much eager to know about our situation? We are happy with India. We are again and again saying that we are really happy with India and we are Indians. फाइका, नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत जो है वो सेकंड टेन्योर मुकम्मल करने वाली है, तो एज अ कश्मीरी क्या आप उनको दोबारा चाहते हो या किसी और पार्टी को आना, मतलब आने के लिए कहोगे कि भाई वो उनको भी आना चाहिए? वेल, देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स की है हमारी कंट्री में. ऑल्दो कांग्रेस वॉज रूलिंग फ्रॉम लास्ट 72 ईयर्स, बट जिस प्रकार से डेवलपमेंट हमें 2014 से देखने को मिली, किस प्रकार से उन्होंने यू नो आपने उन्होंने चेंज लाई, बहुत ज्यादा चेंज लाई कंट्री में, डेमोक्रेटिक फीचर्स में, या फिर कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पे काम किया गया, डेवलपमेंट पे काम किया गया. तो मोदी जी वॉज द मास्टर पीस. प्राइम मिनिस्टर्स तो बहुत आए गए, यू नो आए भी गए भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से सिचुएशंस को टैकल किया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालात आपको भी पता है किस प्रकार से नासाजा थी, किस प्रकार से वहां पे टेररिज्म चलाया गया, किस प्रकार से किसने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में, किसने हमारे बच्चों में जो है वो एक जहर घोल दिया, लेकिन उस जहर को यू नो उस चीज से डील करना, दैट वॉज द मोस्ट टफेस्ट थिंग आई थिंक. तो आई थिंक जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति संभाली है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, तो आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगले अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए. फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का हो या उनकी आइडियोलॉजी से बेटर कोई हो, तो आई थिंक we must appreciate him as a prime minister. He is good and unke liye meri nazron mein kafi izzat, kafi respect aur kafi maan samman hai. Bilkul sahi. Ek aakhri question Faika, agar hum baat kare Saudi Arabia aur Turkey ki, jaise unhone abhi Pakistan ka saath choda hai aur India ke G20 ka hissa banne ja rahe hain, to aap mujhe batayega kya abhi Imran Khan aur dusri party ke beech clashes hai, Pakistan economic down hai, is wajah se aisa hua hai, हमारे बरादरान मुलक ममालिक ने हमारा साथ छोड़ा है, या फिर एज अ कश्मीरी आपको लगता है कि अब उन्हें समझ आ गई है कि पाकिस्तान फ्यूचर में उनका उतना से साथ नहीं दे सकता, या वो पाकिस्तान के साथ? ये पाकिस्तान के आज के हालात नहीं है, ये तो पाकिस्तान के साथ होना ही था. जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि जो आपके पॉलिटिशियंस थे, कहते हैं ना पाकिस्तान को कंगाल करके छोड़े हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कंट्री में गद्दारी की है, तो जाहिर सी बात है बाकी नेशंस भी देख रहे होंगे, बाकी नेशंस तो ये बोल रहे होंगे कि यार ये तो अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, तो अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है, तो अपनी कंट्री के लोगों के साथ लॉयल नहीं है, तो हमारे साथ क्या कुछ लॉयल्टी निभा सकते हैं? ये तो UN के ऑर्डर्स पे सीधे यू नो पानी थोप रहे हैं, ये तो UN के ऑर्डर्स को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम इनसे क्या ही चीज एक्सपेक्ट करें? तो सेम इज द केस विद योर कंट्री, जो भी इस टाइम पे हो रहा है. आई थिंक वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड, सच जो होता है वो हमेशा सच ही होता है, और सच हमेशा यू नो सच कभी छुपता नहीं है.
तो जिस प्रकार से वर्ल्ड इस टाइम पे देख रहा है, चाहे आप ही की इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि दुबई में एक रूल हुआ करता था कि वहां पे शेख्स के बगैर जो है, वहां के किंग्स जो हुआ करते, उनके बगैर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाता था। तो प्राइम मिनिस्टर वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनका वहां पे बाजाबता जो है उनकी रैली निकाली गई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। किस वजह से, किस किस रीजन से? बिकॉज उनके काम वैसे है, उनकी लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी डिपिक्ट करती है कि वो किस नेशन से है, उन्होंने क्या काम किए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ही है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स पे। और वही बात करें आपके प्राइम मिनिस्टर्स की, कितने सारे आए, शाहबाज शरीफ आए, बिल्कुल इमरान खान, जो या तो अगर आपके मुल्क में कोई ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, वैसे आपकी कंट्री के लिए, नॉट फॉर मी, बिकॉज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती है, तो आप लोग या तो उसको टिकने नहीं देते हो, या तो फिर आपको वो लूट के चले जाता है फॉरेन कंट्रीज में बैठने, तो मुल्क कैसे चलेगा? आप मुझे बोलो, मुल्क चलता है अच्छी सियासत से, मुल्क चलता है अच्छे पॉलिटिक्स से, मुल्क चलता है अच्छे सियासतदानों से। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई हवा, कंट्री चलाने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, और रिलेशंस बनाने के लिए बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी इंटरनेशनल फोरम्स के साथ गट्स चाहिए, जो कि शायद पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी टू से। दैट इज वाई वो इस टाइम पे डाउनफॉल से जूझ रहा है। दिस इज द सिंपल आंसर। बिल्कुल सही फाइका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी ऑडियंस से भी होपफुल कि उनको भी अच्छा लगा होगा। और आज ये क्लियर हो गया कि G20 की मीटिंग से कश्मीरी कितने खुश हैं, और उसके अलावा ये भी क्लियर हो गया कि कश्मीरी जो है वो G20 और नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। तो ये बातें क्लियर हुई आज, फाइका ने बहुत अच्छे से आंसर किया। थैंक यू सो मच फाइका, अगेन आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय फाइका। बाय।